हेलो स्टूडेंट, मैं महेश पौरोमा सरदार सिंह कॉन्वेंट इंटर कॉलेज महमूदाबाद से था। आज मैं इस वीडियो में कक्षा 10 के विद्यार्थियों को गणित के बारे में पढ़ाएंगे। अध्याय 1 टॉपिक है वास्तविक संख्याएं। इसके बारे में हम आपको बताएंगे कि रियल नंबर क्या है। तो देखिएगा, रियल नंबर कैसे बने, कैसे क्या होता है, यानी वास्तविक संख्याओं के बारे में हम आपको बताते रहेंगे। इसके पहले हम आपको बताएंगे प्राकृतिक संख्याएं क्या होते हैं, जिसको हम बोलते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर को हम यन से प्रदर्शित कर लेते हैं, और जैसे आपको दिया गया 1, 2, 3, 4 एंड 100, ये जितनी भी संख्याएं आपकी हैं ये सब आपके नेचुरल नंबर में आती है। ये संख्याएँ किसमें आएंगी, नेचुरल नंबर, जिसको हम बोलते हैं प्राकृतिक संख्याएं। तो प्राकृतिक संख्याएं कहाँ से प्रारंभ होती हैं, 1 से और अनंत तक। जो भी आप लिखते हैं वो 1 से ही प्रारंभ करेंगे। इसके बाद आपका आता है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्याओं को हम कहते हैं होल नंबर। तो वो देखिएगा, होल नंबर का कोई भी प्रतीक आप W ले सकते हैं, जैसे 0, 1, 2, 3, 4 एंड 100। तो देखिएगा, यहाँ पर होल नंबर आपके जो हैं पूर्ण संख्याएं जो प्रारंभ होती हैं वो कहाँ से चलती हैं, 0 से, और प्राकृतिक संख्याएं जो होती है वो कहाँ से प्रारंभ होती है, 1 से। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है, यदि आपसे ये कहा जाए कि क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं हैं, तो आपका आंसर क्या होगा, हैं। यानी सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं हैं। लेकिन इसी को हम थोड़ा सा उल्टा कर दें, यदि हम आपसे ये पूछें कि क्या सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं हैं, तो आप हमें आंसर नहीं देंगे, नहीं, क्योंकि ये 0 से प्रारंभ होती है। तो 0 को छोड़ करके प्राकृतिक संख्याएं सभी हो सकती हैं, लेकिन यदि 0 लगा हुआ है तो ये पूर्ण संख्याएं जितनी, सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं नहीं हो सकती। यानी जो आपका दिया है होल नंबर, ये सभी होल नंबर आपके नेचुरल नंबर नहीं हो सकते हैं, जबकि सभी नेचुरल नंबर आपके होल नंबर हो सकते हैं। ओके, तो इसके बारे में भी आपको ध्यान रखना है। अब आपको हम बताएंगे इंटीजर नंबर, जिसमें धन पूर्णांक और ऋण पूर्णांक दोनों हम लेकर के चलते हैं। इंटीजर नंबर को हम जेड से भी रिप्रेजेंट कर लेते हैं, या फिर आई से आप इसको प्रदर्शित कर सकते हैं। तो जैसे देखिएगा, यहाँ पर 2 माइनस का 1 0 1 2 एंड डॉट डॉट, इधर भी डॉट डॉट कर सकते हैं, और ये कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटी तक जाएगा, ये भी आप ध्यान रखिएगा। माइनस इन्फिनिटी जो इन्फिनिटी तक जाएगा, इधर उधर प्लस, यानी अनंत तक, ऋणात्मक अनंत तक, उधर धनात्मक अनंत तक। ऐसे नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, इंटीजर नंबर बोलते हैं, जिसमें धन पूर्णांक और ऋण पूर्णांक दोनों होते हैं। ये नंबर क्या कहलाते हैं, इंटीजर नंबर कहलाते हैं। तो इसमें हम सबसे पहले आपको बताया है कि नेचुरल नंबर क्या है, होल नंबर क्या है, और इंटीजर नंबर क्या है, इसके बारे में हमने बताया आपको। अब इसके बाद में हम आपको बताएंगे कि रियल नंबर क्या है, लेकिन रियल नंबर के पहले हम आपको बताएंगे रैशनल नंबर, जिसको आप बोलते हैं परिमेय संख्याएं। इरेशनल नंबर और रैशनल नंबर क्या है, तो देखिएगा, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, परिमेय संख्याएं क्या है, रैशनल नंबर क्या है, वह संख्याएं जिन्हें पी अपान क्यू के रूप में प्रदर्शित किया जा सकता है, लेकिन क्यू नॉट इज इक्वल टू 0, यानी क्यू डज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि क्यू का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। यानी वह संख्याएं जिन्हें पी अपान क्यू के रूप में प्रदर्शित किया जाए या लिखा जा सकता है, और क्यू 0 के बराबर नहीं है, ऐसी संख्याओं को हम क्या बोलते हैं, परिमेय संख्याएं बोलते हैं। ये बात समझ में आ गई।
अब यहाँ पर प्रमेय संख्या की डिफिनेशन भी याद रखिए, वह संख्याएं जिन्हें पी अपान क्यू के रूप में लिखा जा सकता है लेकिन क्यू का मान जीरो के बराबर न हो, तो वह संख्याएं प्रमेय संख्याएं कहलाती हैं। ओके, अब प्रमेय संख्याओं में हमने आपको बताया बहुत सारी प्रमेय संख्याएं हो सकती है, 1/2 भी तो आपकी प्रमेय संख्या है, 1 भी प्रमेय संख्या होगी नहीं होगी, या 23/99 ये भी तो प्रमेय संख्या हो सकती है। अब इनमें तीनों में आप देखिए 1/2 प्रमेय संख्या है, क्या 1 नहीं है? 1 भी है। हम ये भी कह सकते हैं 10 ये भी तो आपकी प्रमेय संख्या है, क्योंकि इसके 1/2 हम कर सकते हैं, अपान 1 हम कर सकते हैं, और ये बताया गया है क्यू का मान जीरो ना हो, पूर्णांक में दिया है कोई दिक्कत नहीं, क्यू का मान जीरो ना हो तो प्रमेय संख्या है, क्यू का मान जीरो हो जाएगा तो आपका उसको डिवाइड ही नहीं कर पाएंगे। जैसे आपका 10/0 हम कर दें तो इसको डिवाइड करें हम जरा, तो डिवाइड कितना, आप 9 बार लगाओ तब भी तो आपका जीरो ही रहेगा, 10 आपका वैसे बचा रहेगा, फिर आप 9 बार लगाइए फिर आपका यहाँ पर जीरो आएगा, फिर 10 आपका बचेगा, क्योंकि आप जीरो से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। भाई डिवाइड करने का मतलब होता है इस संख्या और इस संख्या का गुणा होता है, वही यहाँ लिखा जाता है, तो जब इस संख्या से इसका गुणा करेंगे तो जीरो तो हो ही जाएगा, तो ये आप आनंद तक करते जाएंगे, पूरी लाइफ समाप्त हो जाएगी, लेकिन इसको डिवाइड नहीं कर पाएंगे, वो आपका शेष 10 बचता रहेगा। तो क्यू का मान इसीलिए बताया गया है जीरो नहीं होना चाहिए। यदि आप पी का मान तो जीरो हो सकता है लेकिन क्यू का मान जीरो नहीं हो सकता है। तो प्रमेय संख्या के बारे में आप समझ पाए कि प्रमेय संख्या क्या है, कि वह संख्या है जो पी अपान क्यू के रूप में व्यक्त की जा सकती है लेकिन क्यू का मान जीरो के बराबर न हो, ऐसी संख्याओं को हम प्रमेय संख्या कहते हैं। अब बात प्रमेय संख्या में आती है, यहाँ पर जैसे 1/2 दिया है, जैसे यहाँ पर क्या दिया है 1/2, अब इसके दो पार्ट हो जाएंगे, आपने अभी पढ़ा नहीं है, पढ़ाया जाएगा, शांत और अशांत आपने पढ़ा होगा, यानी टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, इसके बारे में आप पढ़े होंगे कक्षा 7th या 8th में पढ़ाया गया होगा। मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा कि इसकी दो शाखाएं बन जाएंगी, एक आपकी हो जाएगी शांत और दूसरी हो जाएगी अशांत आवृत्ति। अब इसमें शांत कौन है और अशांत कौन है इसके बारे में भी जान लीजिएगा। जैसे 1/2 है तो ये दशमलव लगा करके आप जीरो बढ़ाएं तो 2 × 5 = 10, यानी पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है, पूरी बात समझ गए। या हम यहाँ पर कहते हैं 2/3, तो यदि हम 2 को 3 से डिवाइड करें, जैसे मतलब 2 को 3 से डिवाइड करते हैं, 0 बढ़ाइए 3 × 7 = 18, फिर यहाँ तो बचेगा 3 × 7 = 18, बार बार होता रहेगा। यहाँ पर भी देखिएगा जैसे आपका दिया 23/99, तो 99 से आप डिवाइड करेंगे 23 को, नहीं लग पाएगा, 0 बढ़ाएंगे, फिर देखते हैं कितने बार लगता है, 2 बार लग जाएगा, 2 × 18 = 19, यहाँ पर कितना बचा 2, फिर यहाँ घटाइए कितना बचेगा, देखिएगा 12 × 3 = 3, इतना तो बचेगा, फिर 0 बढ़ाइए, फिर आप देखिएगा कितनी बार लग जाएगा, 3 बार लग जाएगा, 9 × 3 = 27, 9 × 3 = 27 = 2 = 29, फिर देखो यहाँ पर 3 बचा, 11 × 3 = 2 बचा, फिर आपको 23 ही तो मिल गया। इसका मतलब यहाँ पर जो चलेगा, यहाँ देखो सिंगल सिंगल चल रहा है, यहाँ 12 रेखा लगा सकते हैं, और यहाँ डबल, यानी जब हमने इसको डिवाइड किया तो 0.23 है, और फिर देखेगा नीचे फिर 23 बचा है तो फिर हम 0 बढ़ाएंगे, फिर 23 आएगा, इसका मतलब इस प्रकार से संख्याएं चलती रहेंगी। यानी कहने का मतलब हमारा है, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा कि यदि किसी संख्या को हम डिवाइड करते हैं और पूरा पूरा विभाजित हो जाए तो टर्मिनेटिंग है, तो क्या है, टर्मिनेटिंग है, यानी शांत। और जैसे यहाँ पर हमने क्या किया, डिवाइड किया तो 6 6 6 बार बार आ रहा है, यहाँ पर हमने डिवाइड किया तो 0.23 23 23, आप ऐसे चलते रहेंगे, देखिएगा यहाँ 1 सीरीज है, वहाँ 2 सीरीजें बन गई, 3 भी हो सकती है 4 भी हो सकती है, सीरीज कहाँ से कहाँ कैसे चलेगी, इन सारी चीज़ों को जो हम देखते हैं तो इस प्रकार की संख्या को हम क्या कहते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग, यानी अशांत आवृत्ति, लेकिन रिपीटिंग है,
ये ध्यान रखना, रिपीट कर रहा है बार बार, टू थ्री टू थ्री टू थ्री, यहाँ पर रिपीट हो रहा है सिक्स सिक्स सिक्स, नॉन टर्मिनेटिंग तो है लेकिन क्या है, रिपीटिंग है, ये रिपीट भी कर रही है, यहाँ पर सिक्स चल रहा है, वहाँ टू थ्री चल रहा है, अगला कोई और होगा, अगला कुछ और होगा, इस प्रकार की संख्याएं जो आपको मिलेंगी वो संख्याएं जो आपकी होंगी शांत और अशांत में रखी जाएंगी। इस प्रकार की संख्याएं आपकी जो आती हैं वो अशांत आवर्ती में होती है, और इस प्रकार की संख्याएं जो आएंगी वो शांत आवर्ती, यानी जहाँ पर पूरा पूरा डिवाइड हो जाए। बात समझ में आ गई। अब देखिएगा, यहाँ हमने रैशनल नंबर के बारे में आपको बताया था कि रैशनल नंबर क्या है, उसके कितने पार्ट हुए, दो पार्ट हुए, दोनों पार्टों के बारे में हमने आपको विधिवत जानकारी दी। अब आइए इरेशनल नंबर, यानी इरेशनल नंबर का मतलब अपरिमेय संख्या। इरेशनल नंबर का मतलब क्या है, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। इसके बारे में भी आप देखिएगा, वह संख्याएं जिन्हें पी अपान की के रूप में नहीं लिखा जा सकता है उन्हें हम क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। जैसे आपको हमने बताया पाई का मान ले लो, रूट टू का मान ले लो, रूट थ्री का मान ले लो, चूंकि ये पूर्ण वर्ग नहीं है, ऐसी संख्याएं जो भी होंगी वो किसके अंतर्गत आएंगी, अपरिमेय संख्याओं के अंतर्गत आएंगी, क्योंकि रूट टू का मान क्या होता है 1.414, यहाँ पर ऐसे यहाँ 1.732, इस प्रकार से पाई का मान भी आप जब निकालेंगे तो इसका भी डिवाइड जैसे नहीं जानते हो तो आप डिवाइड कर लो, 3 पॉइंट करके आएगा आपका, यह 22/7, डिवाइड करते हो 7 से 22 को तो 7 3 21, फिर देखिएगा 1 0 बढ़ाएंगे लेकिन पहले दशमलव लगाएंगे, यहाँ पर देखिएगा 3 बचा, 7 4 28, फिर देखिएगा 2, फिर यहाँ 7 2 14, यानी 3.142, इसका जो है मान देखते हैं कंटिन्यू बढ़ता जाता है लेकिन कोई यहाँ पर रिपीट नहीं कर रहा है, समझ गए। इसलिए ये मान तो चलते रहेंगे लेकिन ये रेशनल नंबर के अंतर्गत जो आपका दिया गया है नहीं आएंगे, ये इरेशनल नंबर के अंतर्गत है। इस प्रकार की जो भी संख्याएं होंगी वो अपरिमेय संख्याएं कहलाएंगी। और इस प्रकार जो आपकी जो बताया था हमने अभी आपको कि 1/2 है या 2/3 है, इस प्रकार की संख्याएं जो होंगी वो शांत और अशांत में जाती हैं, यानी टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, लेकिन रिपीटिंग जहाँ पर है वहाँ पर रिपीटिंग में रहेंगी। ओके, ये बात समझ में आ गई। अब इतना पढ़ाने के बाद हम आपको ले चलेंगे 1.1 एक्सरसाइज जो आपकी है, उसमें क्वेश्चन आपका जो पहला दिया गया है क्वेश्चन, ये बताया गया है कि यूक्लिड विभाजन परिभाषा से इसका एचसीएफ ज्ञात कीजिए, यानी हमको मासापा महत्तम समापन तक ज्ञात करना है। पहला क्वेश्चन, पहले का पहला क्वेश्चन आपका दिया है 135 और दिया है 225, इसका हमको यूक्लिड विभाजन के परिमेयता से ज्ञात करना है। इसमें आपका सूत्र बताया गया है भाज इज इक्वल टू भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, ये क्या है शेषफल, यानी भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, ये आपका यहाँ पर चलेगा। तो देखिए कैसे हम निकालेंगे यूक्लिड विभाजन से, बड़ी संख्या जो आपकी होगी, यहाँ पर 135 है, यहाँ 225 है, बड़ी कौन है 225, तो यहाँ पर भाज्य का कार्य कौन करेगा 225 इज इक्वल टू भाजक का काम हमने बताया था छोटी संख्या, कितनी बार इसमें डिवाइड लग जाएगा यानी भाग लग जाएगा तो 1, फिर आपका शेष क्या बचा, देखिए यहाँ से घटा लो, 5 से 5 गया 0 और यहाँ पर 2 में से 3 नहीं जाएगा, तो यहाँ से हम यहाँ से ले जाएंगे कितना हो जाएगा 12, 12 में से 3 गया 9, यहाँ लिखेंगे चूँकि 90 does not इज इक्वल टू 0, यानी 0 के बराबर नहीं है, इसलिए अभी हमें एचसीएफ नहीं मालूम। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर थोड़ा ध्यान रखना, पहले में जैसे ये आपका भाजक था और ये क्या है शेषफल, अब यही से दिमाग लगाना है, जो भाजक था वो क्या बन जाएगा भाज, और जो शेषफल बचा था वो बन जाएगा भाजक, इनटू
कितनी बार लगेगा? वन ही बार लगेगा, प्लस इसको आप घटाएंगे तो कितना बचेगा? 45। ठीक। अब फिर देखिए, चूंकि 45 डज नॉट इज इक्वल टू 0, यानी यहां पर भी जो शेष फल आया वो शून्य के बराबर नहीं है। जब शून्य के बराबर नहीं है तो हम ये प्रक्रिया तब तक करते रहेंगे जब तक आपका शेषफल शून्य ना आ जाए। तो देखिए यहाँ पर जब 45 आपका शेषफल बचा है तो अब देखिए भाज्य कौन बनेगा? 90। हमने बताया भाजक आपका जो होता है अगले स्टेप में आपका भाज्य बनेगा, शेषफल जो पहले स्टेप का होता है वो अगले स्टेप में क्या बनेगा? भाजक बनेगा। तो यहाँ पर देखिए भाज्य क्या हो गया? 90। तो भाजक क्या हो जाएगा? 45 इंटू, आप देखिए कितनी बार लगेगा? 2। और प्लस शेषफल क्या हो गया? 0। यहाँ पर शेषफल 0 आ गया। अब देखिए यहाँ शेष कुछ नहीं बच रहा है, इसलिए इसका एचसीएफ क्या होगा? 45। यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर। यानी विभाजन एल्गोरिथम में आपको ये याद रखना है, वो चाहे दो संख्याएं दी हो, चाहे तीन दी हो, चाहे चार दी हो, चाहे जितनी आपको दी हो, सारी संख्याओं को आपको निकाल लेना है। छोटे से प्रारंभ करते रहिएगा, फिर मान लो इन दोनों से हम एचसीएफ निकाल लिए तो यहाँ एचसीएफ नहीं दिखते। अब इसी एचसीएफ से अगली संख्या जो होती है उसको डिवाइड करते, इस प्रकार से हम यहाँ पर इनको ज्ञात कर लेते हैं। तो इस वीडियो में हम आपको केवल यहाँ पर नेचुरल नंबर क्या है, होल नंबर क्या है, और इंटीजर क्या है, जो है रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, इनके बारे में बताया। एक स्टेप वहाँ पर छूट गया था, वो हम बता दें, जिसके बारे में ही हम बता रहे थे वही छूट गया था। अपरमेय संख्या पढ़ाने के बाद हमने आपको रियल नंबर नहीं बताया था, यानी जो आप जानते हैं वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या ये आप समझ लीजिएगा केवल, यानी रियल नंबर जो होता है वो रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर के मिलने से बनता है, यानी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं का योग ही तो वास्तविक संख्याएं हैं। ओके, ये बात वहां पर हम बताना भूल गए थे, यहां हमने बता दिया है, याद रखिएगा। आपको नोट्स में सब लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, लेकिन नहीं लिखना चाहे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन याद अवश्य होना चाहिए। तो इस वीडियो में केवल हम आपको यहीं तक रोकेंगे। ओके।